अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का कुकिंग विद एपीएस में। आज मैं बना रही हूँ अंडा करी, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 3 बॉयल किए हुए अंडे ले लिया है, इसे मैं नाइफ से कट कर रही हूँ। आप लोग फॉक से कट कर सकते हैं, तो इस तरीके से कट कर लेना है। इससे क्या होता है, जो भी ग्रेवी होती है वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब अंदर तक चला जाता है। इसी तरीके से सारे अंडे में कट लगा लेना है। तो चलिए मसाला तैयार करते हैं इसके लिए। एक जार में रफली कटिंग 2 बड़ा साइज़ का टमाटर मैंने ले लिया है, 2 लाल मिर्च लिया है, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है, और इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए ये पेस्ट ग्राइंड हो गया है, ये देखिए कलर भी अच्छा दिख रहा है। मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल शामिल कर दिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसमें जितने भी अंडे हैं सारे अंडे को शामिल कर लेना है। इसे चलाते हुए फ्राई कर लेना है। इसमें अच्छा सा कलर आ गया है, तो इसमें मैं कुछ मसाले शामिल करूंगी। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक पसंद के मुताबिक शामिल कर लेना है, और इसे फिर कंटिन्यू स्टेयर करना है इस तरीके से। अगर मैं मसाले को पहले शामिल कर देती तो अंडा भी फ्राई नहीं हो पाता। इस तरीके से मसाला ऐड करने से अंडे भी हमारे फ्राई हो गए और मसाले की कोटिंग भी अच्छे से हो गई। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसी पैन में 3 बड़ा चम्मच तेल और शामिल कर लेना है। कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेती हूँ। 1 हरी इलायची, 1 दालचीनी, 1 लौंग, 1 तेज़पत्ता, 3/4 छोटा चम्मच ज़ीरा। ये तड़कने लगा है तो इसमें बारीक कटिंग किया हुआ प्याज शामिल कर लेना है। ये 1 बड़ा साइज़ का प्याज है। प्याज को चलाते हुए तलना है। प्याज अच्छे से पक चुका है, प्याज को गोल्डन नहीं करना है, हाफ फ्राई करना है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, 1 बड़ा चम्मच है ये। इसे भी अच्छे से भून लेते हैं। अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसमें बाकी मसाले शामिल करेंगे। ये देखिए ये अच्छे से भून चुका है, तो इसमें टमाटर का जो मैंने पेस्ट बनाया है उसे शामिल करूंगी। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद मैंने 2 मिनट के लिए इसे भूना है। अब इसमें कुछ सूखे मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक पसंद के मुताबिक, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। टमाटर के साथ ही मैंने मिर्च को पीसा है, तो मुझे थोड़ा मसाला में तीखा कम लग रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा और मिर्च शामिल किया है। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप स्किप कर दें। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। 2 बड़ा चम्मच दही शामिल कर रही हूँ। इसे स्लो फ्लेम पर कंटिन्यू स्टेयर करना है कि दही फटे नहीं, और अच्छे से जब मिक्स हो जाए तो फ्लेम को आप मीडियम कर सकते हैं। अब इस मसाले को मैं ढककर कुक करूंगी 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। तो ये देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं, देखिए मसाला अलग और तेल अलग दिखने लगा है। इसे अच्छे से चला लेती हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मसाला अच्छे से भुन गया है, तो इसमें मैं अब पानी शामिल कर रही हूँ। ग्रेवी जितना आपको पसंद है उतना आप पानी शामिल कर लें। एक चौथाई टीस्पून गरम मसाला ऐड करना है, और 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी। इसे मिक्स करने के बाद इसमें अंडा शामिल कर लेते हैं। तो जितने भी अंडे हैं सभी को शामिल कर लीजिए, और इसे मैं ढककर दम लगाऊंगी। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर दम लगाया है। ये देखिए ये रेडी हो गया है। 1 हरी मिर्च कटिंग करके मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है, और हरी धनिया है 1 बड़ा चम्मच कटिंग किया हुआ, इसे शामिल कर लेना है। ये अंडा करी बहुत मज़ेदार और टेस्टी होती है, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अगर पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये बनकर रेडी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।